देखो, ये समझना ज़रूरी है कि कोरोना के केसेस तो काफ़ी देर तक रहे आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि एकदम बीमारी ख़त्म हो जाएगी। वी विल हैव टू लिव विद कोरोना। जैसे जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं और जो मॉडलिंग डेटा आ रहा है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि जो हमने लॉकडाउन किया है उससे जो रैपिड स्पाइक था वो नहीं हुआ है। वी हैव टाइम टू प्रिपेयर एज फार एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर कंसर्न, बट केसेज आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो जो प्रडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो भारत में कोरोना की पिक्चर अभी बाकी है। कोरोना का संक्रमण अभी और फैलेगा। लॉकडाउन की तपस्या ने असर तो दिखाया है, लेकिन अभी लड़ाई बीच रास्ते है। भारत में कोरोना के कुल मामले अब तक 52,952 हो चुके हैं। इनमें 15,267 लोग ठीक हुए हैं और कुल मौत 1783 है। तो अगर आप सारा ग्लोबल डेटा देखें तो एक दफ़ा जब पीक होता है तो उसके बाद आस्ता आस्ता प्लेटू होके केसेस कम होने लगते हैं। न्यूयॉर्क में भी अब कम हो गए हैं, इटली स्पेन में भी कम होने लगे, तो हमारा भी आस्ता आस्ता जो है कि केसेस जो है उसके बाद अगले कुछ हफ्तों में कम होने शुरू। कितना लंबा चलने वाला है कोरोना का पीरियड? ये तो प्रेडिक्शन कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो आगे ही जैसे जैसे केसेस का हमें आइडिया होगा और कैसे कैसे कम हो गए तो हम कह पाएंगे। कोरोना से बचाव के लिए भारत अभी थोड़ी छूट वाले लॉकडाउन के चरण में है, लेकिन पूछा जाने लगा है कि 17 मई के बाद क्या। 4 मई को भारत में 42,836 कोरोना केस थे। 5 मई को कोरोना मामले बढ़कर 46,711 हो गए। 6 मई को 49,391 कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा रहा, तो 7 मई को 52,952 मामले हैं। कोरोना की रफ्तार इतनी तेज है तो क्या भारत आर्थिक गतिविधियों को खोलने की स्थिति में होगा? इसीलिए कांग्रेस जैसे विपक्षी दल सरकार से आगे का प्लान पूछने लगे हैं कि 17 मई के बाद क्या होगा, पोस्ट लॉकडाउन हम दोबारा कौन से कदम लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि हम स्वस्थ भी रहें, सुरक्षित भी रहें, लेकिन अर्थव्यवस्था दोबारा जीवित हो। जब तक लोग काम पर नहीं जाएंगे तब तक हम समझते हैं कि दोबारा इकोनॉमी को पटरी पर लाने में बहुत समय लगेगा। अप्रैल के आखिरी दिनों में लग रहा था कि कोरोना पर भारत जल्द नियंत्रण की स्थिति में होगा, लेकिन फिर हालात बिगड़ रहे हैं। अभी जो स्पॉट आ रहा है केसेस का, हमारा जो डबलिंग टाइम है वो 11-12 से अब 11 की तरफ आ रहा है, लेकिन अगर न्यू केसेस का डबलिंग टाइम लूँ तो वो 7 दिन का आ रहा है, और ये जो केसेस हैं ये 6 दिन पुराने हैं। तो अभी जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं ये लॉकडाउन खुलने के बाद में, रियायत के बाद में नहीं आ रहे, उसके केसेस तो 5 दिन के बाद आएंगे। सो मेरे को डेफिनेटली कंसर्न है, इस वक्त में जो स्पॉट आया है इसका मतलब है कि लॉकडाउन के आखिरी में लोगों ने चीटिंग करी है। कोरोना पर भारत की लड़ाई लंबी लग रही है, तो क्या भारत को अब इसके साथ जीना सीखना होगा? दिल्ली से अशोक सिंघल और प्रशस्ति के साथ आज तक ब्यूरो।